प्रोस्टेट ग्रंथि जो है जो पुरुषों में होती है उसके बारे में कुछ आश्चर्यजनक दावे या स्टडी मैं आपको भी बताना चाहता हूं। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो पेशाब के थैली के पास में जो स्टूल्स है, जो स्टूल पास होते हैं वो एरिया है रेक्टम, तो उनके बीच में रहती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये ग्रंथि है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये पुरुषों में रहती है, स्त्री में नहीं रहती। बच्चा जब पैदा होता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, वो जो ग्रंथि है वो एकदम छोटी रहती है, और जब बच्चा 25 साल का होता है तो उसका फुल डेवलपमेंट होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है कि जो इजैकुलेशन निकलता है, मतलब जो धातु निकलता है, तो धातु में मतलब जो लिक्विड है धातु का, इजैकुलेट जो है उसमें 30% हिस्सा प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड वो सिक्रेट करती है। वो सिक्रीशन जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो है वो जो स्पर्म्स है, शुक्राणु है, उनको ताकत देता है, उनको जीवित रखता है। मतलब धातु यदि 2 ml आपका निकलता है तो 2 ml में अप्रोक्सीमेटली 30% जो हिस्सा है वो, मतलब 1/3 हिस्सा जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन का है। फिर सिक्रीशन क्यों होता है? सिक्रीशन शुक्राणु को जीवित रखता है, नंबर एक। सिक्रीशन अल्कलाइन रहता है, और अल्कलाइन रहने से क्या होता है कि शुक्राणु का प्रवेश जब योनि में होता है तो योनि में रहता है एसिडिक एनवायरनमेंट, एसिडिक फ्लूइड, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और शुक्राणु को जीवित रखने के लिए प्रोस्टेट फ्लूइड का फायदा होता है। ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड में जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम ऐसे अलग अलग धातु है, और बहुत ही अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन किया हुआ है कि जिससे वो शुक्राणु जो है उनको खाने को मिलेगा, खाद मिलेगा, और वो जीवित रहेगी। बहुत अच्छी बात है, ये तो है, मगर उसके प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि वो प्रोस्टेट जब बढ़ता है बिना कारण, और बिना कारण बढ़ गया तो उसको बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, BPH। और यदि वो बढ़ता है ज़्यादा, जो बिनाइन है मतलब जो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तो उसमें फिर पेशाब करने में अड़चन, बार बार पेशाब को जाना, पेशाब जाओ कि नहीं जो ऐसी इच्छा होना, हेजिटेंसी फ्रीक्वेंसी, पेशाब रुक रुक के आना, ऐसे पेशाब के सब प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं, और उस समय प्रोस्टेट का ऑपरेशन करना पड़ता है। प्रोस्टेट का यदि ऑपरेशन करेंगे तो धातु कम हो जाएगा 30%, धातु निकलेगा नहीं, और एक प्रॉब्लम। इसलिए लोग प्रोस्टेट का ऑपरेशन करना अवॉइड करते हैं और गोलियां देते हैं, दवाइयां देते हैं, जिससे प्रोस्टेट का जो बड़ा हुआ है वो कम हो जाएगा। दूसरा प्रोस्टेट का प्रॉब्लम यह है कि वो प्रोस्टेटाइटिस होता है, मतलब उसका उसके ऊपर सूजन आते बिना कारण, और जब सूजन आते बिना कारण तो उसको भी दवाई लेनी पड़ेगी, और दवाई लेके वो ठीक हो जाएगा, मगर सूजन आ गई तो तकलीफ होती है। अब प्रोस्टेट का जो है वो प्रॉब्लम यह है कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी सबको होती है, मगर प्रोस्टेट कैंसर जो है, प्रोस्टेट कैंसर, तो एक स्टडी के अनुसार 8 में से 1 व्यक्तियों को प्रोस्टेट कैंसर निकलता है, पुरुषों को। इसका मतलब समझो हमारे देश की पुरुषों की पॉपुलेशन यदि 70 करोड़ है, तो 70 करोड़ में से 8 में से 1 मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 8 करोड़, 9 करोड़ लोग, तो 8 से 9 करोड़ पुरुषों को कभी ना कभी प्रोस्टेट कैंसर होने वाला है इन देयर लाइफ टाइम। और ज्यादा कब है? 50 साल के नीचे बहुत कम है, 50 से लेके 69 तक थोड़ा चांस बढ़ जाता है प्रोस्टेट कैंसर होने का, और 70 के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है वैसा है तो बिनाइन होगा, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी मतलब बिना कैंसर की, बिना कैंसर का प्रोस्टेट बढ़ जाना, या फिर कैंसर की वजह से प्रोस्टेट बढ़ जाना। तो बिना कैंसर का तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दवाई वगैरह ले लो, ऑपरेशन करो, निकल जाएगा, मगर कैंसर हो गया तो बहुत तकलीफ वाला कार्यक्रम है। अभी मैंने देखा कि हमारे यहाँ बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही पॉपुलर जो लोग थे उनमें से 2 लोगों को प्रोस्टेटिक कैंसर हो गया, फिर उनका रेडिएशन चालू है, कीमोथेरेपी चालू है, उनको जो तकलीफ होती है वो हाल देखना कठिन हो जाता है। इसलिए फिर क्या करना चाहिए? इसके लिए ऐसा है कि 50 साल के पहले मतलब 40 और 50 के बीच में साल 2 साल में एक बार रेक्टल एग्जामिनेशन करके, रेक्टम एग्जामिनेशन मतलब जहाँ से टट्टी निकलती है, स्टूल निकलता है, वहाँ से एग्जामिन करते हैं डॉक्टर, और प्रोस्टेट बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया वो देखते हैं। तो ये करना चाहिए 50 साल के ऊपर जो है वो हर साल कम से कम एक बार प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है कि नहीं हुआ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, देखना चाहिए।
मगर वो देखने के लिए लोगों को मतलब हिचकिचाहट रहती है, नाराजी रहती है, उनको लगता है कि बहुत दर्द वाला कार्यक्रम है, क्यों करना, शर्म आती है। मगर शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों को मतलब ऐसा दिखा स्टडी में कि वो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन बोलते हैं, मतलब उंगली डाल के एग्जामिनेशन करना, तो वो करने के पहले बहुत लोगों को एंग्जाइटी और डिप्रेशन था कि भाई कैसे करना, क्या करना, नहीं जान दो करना नहीं है। पर वो करने के बाद में पूछा कि तकलीफ हुई क्या, तो 60% लोगों ने बोला कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं और वो करना अच्छा हो गया, और 90% लोगों ने ये बोला कि नहीं हम हर साल करके लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करने के पहले लोगों को तकलीफ है, अदरवाइज तो तकलीफ होती नहीं है, तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करना चाहिए। नहीं तो फिर PSA टेस्ट है, और वो टेस्ट यदि करते हैं आप ब्लड की, तो उसमें से मालूम पड़ेगा कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं है। यदि लो लेवल है तो डेफिनेटली आपको प्रोस्टेट कैंसर नहीं है PSA में, मगर ज़्यादा लेवल है तो होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं है प्रोस्टेट कैंसर। मतलब बहुत सारे कारण से PSA टेस्ट ज़्यादा हो सकती है। अब ये सबका सेक्स में क्या संबंध है? तो ऐसा बोला गया है, ऐसा देखा गया है स्टडीज में कि प्रोस्टेट का जो फ्लूइड है वो यदि प्रोस्टेट में पड़ा रहता है, निकलता नहीं है, प्रोस्टेट स्टैग्नेशन हाइपोथेसिस है, वो निकलता नहीं है, मतलब आप इजैकुलेशन करते नहीं हो, आप इजैकुलेशन बाहर निकालते नहीं हो, तो क्या होगा, वो प्रोस्टेट में पड़ा रहेगा, सिक्रेशन बराबर होगा नहीं, तो प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब जो लोग शादी के पहले हस्तमैथुन करते हैं रेगुलरली, उनका क्या हो रहा है, उनका धातु रेगुलरली बाहर निकल रहा है, रेगुलरली प्रोस्टेट काम कर रहा है, प्रोस्टेट में कोई जमा नहीं है फ्लूइड, तो प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस कम है जो लोग रेगुलर सेक्स करते हैं या रेगुलरली हस्तमैथुन करते हैं शादी के पहले, शादी के बाद में जो भी कुछ है। इन शॉर्ट क्या है कि हस्तमैथुन करने वाले लोग या रेगुलर सेक्स करने वाले लोगों में प्रोस्टेट कैंसर जो है वो कम पाया गया। और लोगों को हम क्या बताते हैं, हम मतलब मैं नहीं, जो लोग क्वैक है, फ्रॉड्स है, हस्तमैथुन मत करो, हस्तमैथुन करो मत, हस्तमैथुन करना पाप है, वो वीर्य सप्रेस करो, वीर्य दिमाग में जाएंगा, वहाँ एनर्जी मिलेंगी। अरे बाबा, ये मैं स्टडीज बता रहा हूँ कि स्टडीज में यदि आप वीर्य बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते, रेगुलरली बाहर निकालते हैं, तो कैंसर होने के चांसेस बहुत कम है, निग्लिजिबल है, क्योंकि हाथ से बाहर निकालेंगे नहीं या सेक्स से बाहर निकालेंगे नहीं, तो वहाँ फ्लूइड पड़े रहेगा और पड़े पड़े वो सड़ जाएगा, कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा फिर क्या है कि लोग सेक्स में भी प्रोस्टेट को स्टिम्युलेट करके आनंद लेते हैं। मतलब ये भी पाया गया है कि कुछ लोग सेक्स में रेक्टम में उंगली डाल के, एनस में उंगली डाल के प्रोस्टेट को स्टिम्युलेट करते हैं, और प्रोस्टेट को स्टिम्युलेट करके उनको बहुत आनंद आता है। तो कुछ लोग सेक्स में एक दूसरे को मतलब एक्साइटमेंट जब करते हैं, एक दूसरे को स्टिम्युलेट करते हैं, तो यदि एनस से उंगली डाल के प्रोस्टेट को स्टिम्युलेट किया तो उसको बहुत अच्छा लगता है और सेक्स का मजा और दुगुना हो जाता है। और वैसे ही वो जो प्रोस्टेटिक मसाज यदि करते हैं तो प्रोस्टेट का जो इन्फ्लेमेशन है, मतलब सूजन आती है प्रोस्टेट के ऊपर, प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं, उसमें भी ये काम में आता है। तो इन जनरल प्रोस्टेट के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। सेक्स के इसमें फायदे का ये है कि रेगुलरली आप इजैकुलेशन करते हैं और इजैकुलेशन में प्रोस्टेट रोज काम को लगता है और वहाँ फ्लूइड जमा नहीं रहता है, तो कैंसर के चांसेस बहुत कम है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है टेक होम मैसेज में, कभी आप रेगुलरली आफ्टर एज 50 रेगुलरली आप यदि PSA टेस्ट या डिजिटल एग्जामिनेशन प्रोस्टेट के करते हैं तो आपको जल्दी कैंसर का निदान हो जाएगा, क्योंकि 8 में से 1 व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर होता है। ये वीडियो जितने ज़्यादा बुजुर्ग लोगों को आप फैलाएंगे उतना अच्छा है। जितने लोग समझते हैं कि मास्टरबेशन खतरनाक है, करना नहीं चाहिए, गलत किया, उनको भी पहुंचा दो, ताकि उनको समझ में आएगा कि उनको कैंसर का धोखा कम है यदि वो हस्तमैथुन करते हैं तो।